कि मुझे मिटाने का ख्वाब देखने वालों, आज से 138 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 138 सालों के बाद भी कांग्रेस होगी। कांग्रेस को ना कोई मिटा सका है ना कोई मिटा पाएगा, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला पाने वाले हमसे 70 सालों का जवाब मांगते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे एक दिन। अरे वक्त के हाकिमों, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। भारत की बुनियाद में शामिल, भारत के निर्माण में शामिल, भारत के सुनहरे अतीत में शामिल, हम कांग्रेस हैं। इस धरती, इस देश की धरती में, इस देश के आकाश में, इस देश के भूगोल में, इस देश के इतिहास में हम शामिल हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। इन दिनों मुल्क का हाकिम हमसे कहता है कि अपने होने की गवाही दो, उसे कोई बताए कि इलाहाबाद की नैनी जेल में, उसकी काल कोठरी में हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू के देखे गए ख्वाब हमारे होने की गवाही हैं। उसे कोई बताए कि रांची की जेल में लिखी गई मौलाना आजाद की तहरीरें हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि एक धोती और एक लाठी में पूरी दुनिया में फैली अंग्रेज हुकूमत को घुटनों के बल लाने वाला, राजघाट की समाधि में सोया हुआ सदी का सबसे बड़ा फकीर महात्मा गांधी हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि इस मुल्क की मिट्टी में मिला हुआ इंदिरा गांधी का लहू का एक एक कतरा हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि इस देश के खून में, इस देश की रगों में शामिल राजीव गांधी का खून हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि सादगी और बलिदान की प्रतीक सोनिया गांधी हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि गुलबर्गा की गलियों से निकलकर 24 अकबर रोड का सफर तय करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि हमारी गवाही है अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत की सड़कों की खाक छानने वाला वो शख्स जिसे दुनिया राहुल गांधी के नाम से जानती है। उसे कोई बताए कि सामने मौजूद लाखों का हुजूम हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि मंच पे मौजूद हजारों नेता हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि मुझे मिटाने का ख्वाब देखने वालों, आज से 138 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 138 सालों के बाद भी कांग्रेस होगी। कांग्रेस को ना कोई मिटा सका है ना कोई मिटा पाएगा, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। देश की आंखों में पलने वाले आईआईटी आईआईएम जैसे ख्वाबों को जमीन पर उतारने वाले, हरित क्रांति से लेकर के मनरेगा तक भारत के जर्रे जर्रे में हमारे नाम की इबारत लिखी है, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। इस देश की साझी शहादत में, इस देश की साझी विरासत में, इस देश की मोहब्बत में, इस देश के भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले हर नारे में हम ही हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं, हम कांग्रेस हैं। अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला पाने वाले हमसे 70 सालों का जवाब मांगते हैं। अरे वक्त के हाकिमों, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। उधर वो हाथों के पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत
किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे एक दिन। नागपुर की धरती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की धरती है, आज उनके सपने को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं यहां खड़ा होकर के आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे, तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। हम खुशबू हैं क्योंकि हम कांग्रेस हैं। धन्यवाद।